दूंगा। हमारे साथ एके मिश्रा साहब भी जुड़ गए हैं हमारी डिबेट में। एके मिश्रा साहब, बहुत स्वागत आपका। इसरो के लिए चंद्रयान मिशन 1 और मिशन 2, हालांकि दोनों को अगर देखें तो समझ में आता है, क्योंकि हम बहुत कुछ अपडेट करके इस बार कर रहे हैं, हम बहुत कुछ आगे की कहानी कहना चाहिए कि चंद्रयान मिशन जहां खत्म हुआ, चंद्रयान मिशन 2 वहां से शुरू हुआ है। ऐसे में कितनी बड़ी कामयाबी इसरो के लिए है, और चांद को हमेशा से ये देखा गया, चांद से आगे बढ़ने की बात की गई या चांद को जानने की बात की गई, इसरो आज किस हद तक जान जाएगा? देखिए, आज इसरो उन सारे चीज़ों का, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का जो है चंद्रयान 2 से ऐसी नवीन जानकारियां हम लोगों को मिलेंगी, और अपने आप में ये एक बहुत ऐतिहासिक पल है। चंद्रमा से हमारा नाता, हमारे सभ्यता और संस्कृति का नाता आज से नहीं है, मैं समझता हूँ जब से हम लोग पैदा हुए हैं चंद्रमा, चंदा मामा किसी न किसी तरीके से हर आदमी के ज़िंदगी में रहते हैं। साइंटिफिक तरीके से ये क्या है कि यहाँ से 4 लाख किलोमीटर तक सक्सेसफुली तरीके से किसी भी यान को प्रक्षेपित करना, उस जगह पे उतरना जहाँ तक, जिस जगह पे चंद्रमा के ये उतरेगा वहाँ पे आज तक किसी ने भी ऐसा कोई इवेंट नहीं किया है, किसी ने सोचा भी नहीं है, क्योंकि टेक्निकली वो बहुत टफ होता है वहाँ पे लैंडिंग के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत सारी छोटी छोटी टेक्नोलॉजी के लिए आप पीछे 15-20 साल 25 साल में जाइए, हम लोग जब किसी और देश के पास जाते थे तो वो ये टेक्नोलॉजी देने के लिए हमको मना कर देते थे। आज उन सारे देश के ऊपर ये एक तमाचा इसरो मारेगा, भारत की जनता, भारत के वैज्ञानिक मारेंगे कि हम आपके पैरलर हैं, अपने दम पे हैं। और 15 मिनट की जो लैंडिंग होगी वो इतना क्रिटिकल होता है, इतना क्रूशियल टेक्नोलॉजी उसके लिए आपको चाहिए होती है। आप ये मानिए कि मंगलयान और चंद्रयान भेज देने के बाद सक्सेसफुल चंद्रयान 2, साइंस के जितने भी टॉप पैरामीटर होते हैं, टॉप डेवलपमेंट हो सकते हैं, वो देश के पास अपने पास आज की डेट में अवेलेबल है। मुझे गर्व इस चीज़ के लिए है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो दुनिया में पृथ्वी पे हो सकती है वो हमारे देश के पास है। एके मिश्रा साहब, मैं आपके पास पहले आ रहा हूँ कि ये जो खनिजों की बात की जा रही है, साथ ही साथ जो पानी की बात की गई, क्योंकि चंद्रयान 1 जब हुआ था, मिशन 1 हुआ था, उसके दौरान ये कह दिया गया था कि पानी है, लेकिन साउथ पोल पर सबसे ज्यादा नजर इसलिए क्योंकि टेम्परेचर कम रहता है। अगर नॉर्थ पोल की, अगर उस इलाके की बात करें, 130 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान रहता है, पानी की कमी हो सकती है, लेकिन साउथ पोल पर क्योंकि टेम्परेचर कम रहता है, सूर्य बिल्कुल एक कहना चाहिए क्षितिज पर नजर आता है। यही वजह है कि यहाँ पर बड़े बड़े ग्लेशियर्स क्रेटर्स के अंदर छिपे हो सकते हैं, ज्यादा मात्रा में खारिज हो सकते हैं, जो काम के लिए होंगे भारत के। देखिए, रिसर्च का मतलब ये होता है, जो ये रिसर्च प्रोजेक्ट है ये पूरा, इसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ ऑलरेडी अनटच्ड है जी, जिन एरिया को कई बार एक्सप्लोर किया जा सकता है, हमेशा ये मानव विज्ञान, मानव मन का विज्ञान होता है कि अनटच्ड चीज़ों को, अनटच्ड एरिया को देखा जाए। तो सबसे बड़ा उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे अभी तक कोई गया नहीं था, तो इस चैलेंज को इसरो ने जो है एक्सेप्ट किया, वो बधाई के पात्र है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अभी जैसे यादव जी बता रहे थे कि इस प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, A to Z, जिस दिन दिमाग में ये बैठाया गया था कि हमें ये प्रोजेक्ट देना है, वहाँ से लेके एक एक पार्ट इसका इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इतना पूरी एक एक्सोबायोलॉजी का पूरा एक सिस्टम होता है, एक ऐसा साइंस होता है, फिजिक्स के जो वैज्ञानिक होंगे, अब फिजिक्स में भी जो रॉकेट से रिलेटेड होंगे उनके लिए भी कि भाई कैसा रॉकेट इसमें बना, कम्युनिकेशन साइंटिस्ट होंगे उनको भी सीखने के लिए है कि कैसे कम्युनिकेट किया गया, जो डिजिटल फोटोग्राफी वगैरह की बात करते होंगे, हाई लेवल हाई टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड फोटोग्राफी कैसे की जाती है उनके लिए भी इसमें इक्विपमेंट है, जो बायोलॉजिस्ट है उनके लिए भी इसमें इक्विपमेंट पूरे लगे हुए हैं, टेक्नोलॉजी है, विज्ञान की जितनी भी शाखाएं आज आप समझ सकते हैं। भाई चांद क्या है, चांद एक पृथ्वी की तरह आप एक ऐसे पिंड मानिए जिसका अपना एक एनवायरनमेंट है, जिसकी अपनी एक रचना है पूरी की पूरी, वो अपने आप में भले जीव मिले या ना मिले। तो अगर ये 1,000 करोड़ के आसपास का ये प्रोजेक्ट है तो ये ऐसा नहीं होता है कि गए केवल पिक्चरें लेकर के वहां पे, वो एक समन्वित प्रोग्राम होता है, एक एक चीज की पॉसिबिलिटी को वहां पे देखा जाता है, जीव है उनके अवशेष है कि नहीं है, वहां की मिट्टी कैसी है, सॉयल से रिलेटेड होता है, कम्युनिकेशन, हर एक फील्ड जो साइंस में हो सकती है हर फील्ड का यहाँ पे यूज किया गया है। और मुझे नहीं लगता कि विज्ञान की ऐसी कोई चीज होगी जिसके साइंटिस्ट इसमें इंटरेस्टेड ना हो या उनको उनके मतलब की चीजें यहाँ पे ना मिल पाए। तो इसलिए ये बहुत जटिल, बहुत इंटीग्रेटेड, और एक आम आदमी, मैं तो आपको ये भी बोलता हूँ, पांडे मैम बैठी है कवियत्री, अब इनका क्या इंटरेस्ट होगा, इनकी जिंदगी से भी, कवियों की जिंदगी से भी ये जुड़ा हुआ है, आम यंग एज जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो नौनिहाल हमारे होते हैं उनसे भी जुड़ा हुआ है ये, क्योंकि उनको भी कविताएं चंदा मामा दूर करके ये जो है पढ़ाया जाता था। जीवन का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जिसको चंद्रयान अफेक्ट ना करे, हर चीज की इसमें गुंजाइश है सीखने की। इसीलिए मैं, देखिए,
जो उपलब्धियां हैं वो तो हैं, लेकिन ये क्यों हर मानव के हर मस्तिष्क को हर लैब को ये प्रभावित करने वाला उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए ये एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर हमेशा जी ने कही कि बचपन में छोटे छोटे जब बच्चे होते हो, मैं आप जब रहे होंगे तब भी हम चांद को देखकर बहुत से सवाल किया करते थे, चांद है। बिल्कुल, क्योंकि दिखता ही हमें चांद था, सूर्य से तो दिखाई हम वैसे भी मिला नहीं पाते, चांद ही था जिससे नजरें हटती नहीं थी।